सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम दिया है। मिथिलांचल की टोपी फाग पहनकर दरभंगा से 3 बार बीजेपी सांसद रहे कीर्ति आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामा। राहुल गांधी ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। कांग्रेस में शामिल होते ही कीर्ति आजाद बीजेपी के खिलाफ जमकर बोले। उन्होंने इसे घर वापसी बताया है। जो वर्तमान में है, वर्तमान को देखते हुए जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की बात की और भ्रष्टाचार के ऊपर 400 पन्ने का सरकारी दस्तावेज देने के बाद आंतरिक लोकतंत्र ना हो, आपकी आवाज ना सुनी जाए और केवल जुमले हो, तो स्वाभाविक है कि जो एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हो और जिसने देश के लिए क्रिकेट खेला हो, देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेला हो, स्वाभाविक था कि मेरा यहाँ घुटन हो रहा था और इस घुटन में मैं रह नहीं सकता था। और पिताजी से जो बातें कांग्रेस की सुनी थी और पढ़ी है, स्वाभाविक था कि मेरी घर वापसी होनी थी। बताने की आजाद ने दिल्ली जिला क्रिकेट अकेडमी में कथित भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से मोर्चा खोल दिया था। इसके बाद उन्हें 2015 में बीजेपी से निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद से ही उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें चल रही थी। कीर्ति आजाद लोकसभा चुनावों से पहले भ्रष्टाचार के सवाल पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए दिल्ली से कमल कंसल की रिपोर्ट।